गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 7 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। गैर निम्नलिखित फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर में दिया है लॉग एक्स, अंतराल दिया है आपके पास एक से लेके ई तक। तो समझिए इसको, यहाँ पे यह कैसा फलन है, लघुगणकीय फलन है, चूंकि एफ एक्स एक लघुगणकीय फलन है। इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1, e में संतत और खुला अंतराल 1, e में अवकलनीय है। संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए अब अगर मैं f1 के वैल्यू की बात करूं तो log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अच्छा fe के वैल्यू की बात करें तो log e का वैल्यू होता है 1। चलिए चूंकि आपके पास fx बराबर में दिया है log x, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना पहले। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से f'x जो आएगा वह आ जाएगा आपका 1/x। f'x जो होगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देख रहे थे बंद अंतराल इतना में संतत है और खुला अंतराल इतना में अवकलनीय है। तो यहां पे हम लोग रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम f'c बराबर में हो जाएगा fe माइनस में f1 बटा में e-1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं f'x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/c आ जाएगा बराबर में fe का वैल्यू है 1 और f1 का वैल्यू है 0 बटा में e-1। दोनों को पलट देते हैं तो यहाँ c बराबर में e-1, तो यह बिलोंग्स कर रहा है आपके किसके किसके बीच में, तो 1 से लेके e के बीच में, छोटा ब्रैकेट रहेगा, यहाँ से यह सत्यापित होगा। समझ गया ना। चलिए अगला इसका सेकेंड नंबर देखो, यह तो बहुपद फलन है, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 0, 0.4 में संतत और खुला अंतराल 0.4 में अवकलनीय है। अच्छा जब संतत और अवकलनीय हो गया, चलिए अगर मैं यहाँ पे f0 की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ देखो यही दोनों चीज हो गया। तो ये आपको पता है कि इसमें हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं ना जी। चलिए तो अब वैल्यू निकाल लो f0 का वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 0-1, 0-2 और 0-3। तो यहाँ आएगा आपका -1 × -2 × -3, तो -6 हो जाएगा। अच्छा f4 का वैल्यू बात करते हैं तो हो जाएगा 4-1, 4-2 और × 4-3, यही ना। तो यहाँ घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा। चलिए चूंकि आपके पास fx बराबर दिया हुआ है, क्या है भैया, x-1 × x-2 × x-3। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है u v × w पे ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो f'x बराबर में इसका डिफ्रेंशिएशन 1, बाकी दोनों टर्म को ऐसे x-2 × x-3, फिर प्लस x-1 × x-2 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 और फिर x-3 ऐसे ही, फिर प्लस x-1 × x-2 और x-3 का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ इंटू कर दो तो आ जाएगा x² − 3x − 2x + 6। यहाँ पे इंटू करो x² − 3x − x + 3, यहाँ इंटू करो x² − 2x − x + 2। चलिए अब यहाँ से f'x जो होगा वह हो जाएगा 3x², ये जुड़ जाएगा ना,
अच्छा 3 2 5 5 3 8 1 9 9 2 11 11 1 12 x माइनस का 12 x, 6 3 9 9 2 11 प्लस का 11, यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू आया। तो यहाँ लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान प्रमेय, तो एफ डैश सी बराबर में क्या हो जाएगा, एफ फोर माइनस में एफ जीरो बटा में 4 माइनस 0, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ सी रख देंगे, 3c² माइनस का 12c प्लस का 11 बराबर में, एफ फोर का वैल्यू क्या है, 6 आया है ना, देख लेता हूँ एक बार, मैं भी भूल गया हूँ, एफ फोर का वैल्यू 6 और इसका माइनस 6 दिया है, चलिए इसका माइनस 6 और बटा में आपका 4 हो जाएगा, 3c² माइनस 12c प्लस 11, या माइनस में प्लस 12 हो जाएगा, 12/4 कट जाएगा 3 बार में, इसको इधर लाएंगे माइनस का, 11 में से 3 को घटा देंगे, तो 3c² माइनस का 12c और यहाँ से 11 में से 3 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका c का मान निकलता है, c बराबर माइनस माइनस 12, ठीक है, और प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे है 3 और c के जगह पे है 8, ठीक है, और बटा में 2 × 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो आगे हो जाएगा अब आपका c इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस में 4 × 3 = 12 / 96 और बटा में आपका क्या आ जाएगा, 6, यानी कि c बराबर में हो जाएगा 12 प्लस माइनस, इसमें से इसको घटा देते हैं 48 हो जाएगा और बटा में 6, c बराबर में 12 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4√3, समझ रहे ना, अंदर आप देखोगे 48 को तो 4 × 4 × 3 होगा ना, 16 16 3 48, पेयर बन गया, बाहर निकल गया और बट्टा में 6, अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, तो c बराबर में हो जाएगा 12/6 प्लस माइनस 4√3/6, इसको काट दिए 2 बार में, यहाँ से 2 यहाँ 3, इस रूट 3 से इसको काट देते हैं रूट 3 बार में, यानी कि c बराबर आ गया 2 + −2/√3, 2/√3, तो यह देखो यह बिलोंग्स कर रहा है ना 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में है, यहाँ से यह सत्यापित हो गया, समझ गया ना, यही हमें दिखाना था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय का सी प्रमेय को निकालें, ठीक है, हमें फाइंड करना है सी का वैल्यू, उल्टा लिखा है, उल्टा पुल्टा लिख दिया है, यहाँ पे देख लो इंग्लिश में फाइंड सी, ठीक है, फाइंड सी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, यानी यहाँ भी सी का वैल्यू निकालना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, तो घातांक फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 0,1 में संतत और खुला अंतराल 0,1 में अवकलनीय है, ठीक है। अच्छा चलिए संतत और अवकलनीय हो गया, तब यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो अगर मैं एफ जीरो की वैल्यू की बात करूं तो ई का पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, और एफ वन की बात करूं तो ई का पावर 1 यानी कि ई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब मैं बात करता हूं, यहाँ एफ एक्स दिया है आपके पास e^x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स e^x का e^x ही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो अब इसके बाद लिखते हैं बाई मीन वैल्यू थ्योरम, क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी बराबर में एफ वन माइनस में एफ जीरो बटा में 1 - 0, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए एफ डैश सी यानी कि ई का पावर सी हो जाएगा बराबर में 1, एफ वन का वैल्यू है आपके पास ई और एफ जीरो का वैल्यू है 1/1, यानी कि ई का पावर सी बराबर में ई माइनस 1, यानी कि अगर मैं सी के वैल्यू की बात करें तो एक्सपोनेंशियल इधर आएगा तो लॉगरिथम बन जाएगा लॉग ई माइनस 1, और यह बिलोंग्स कर रहा है आपके 0 से 1 के बीच में, तो सत्यापित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ इसमें जो दिख रहा है कि एक्स यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन है, इकाई फलन है,
इकाई फलन है और वन बाई एक्स, वन बाई एक्स कैसा फलन है, तो वन बाई एक्स व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसलिए एफ एक्स जो होगा यहाँ पर एफ एक्स बंद अंतराल एक बटा दो कॉमा दो में संतत और खुला अंतराल एक बटा दो कॉमा दो में अवकलनीय है, ठीक है। चलिए, तो जब संतत अवकलनीय है, अगर यही अंतराल गड़बड़ आता ना, अगर जीरो इसमें रहता ना तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि जीरो पर या अपरिभाषित हो जाता, वन बाई जीरो आ जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो अंतराल के हिसाब से हमें पता चल गया कि ये संतत अवकलनीय है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जब संतत अवकलनीय हो गया तो यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं ना। चलिए, तो अगर मैं एफ वन बाई टू के वैल्यू की बात करूं तो हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू, यही ना होगा वन बाई टू, यहाँ ये पलट जाएगा टू, एलसीएम लेकर जोड़ देंगे, वन प्लस फोर फाइव बाई टू आ जाएगा। अच्छा, एफ टू का भी वैल्यू निकालो, तो एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टू प्लस वन बाई टू, यानी कि यहाँ भी एलसीएम लेकर जोड़ दोगे, टू टू जाए फोर प्लस वन फाइव बाई टू यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया। अब इसके बाद चूंकि एफ एक्स बराबर में दिया है आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो इसका अवकलज निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वन और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। चलिए, अब बाई मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर में एफ टू माइनस एफ वन बाई टू बटा में टू माइनस वन बाई टू। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सी पुट करेंगे ना यहाँ, तो जगह वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे इसका वैल्यू फाइव बाई टू, इसका वैल्यू फाइव बाई टू, दो में से वन बाई टू घटाओ थ्री बाई टू आ जाएगा, ये तो जीरो बट्टा कुछ भी हो आपका जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ सॉल्व करते हैं यहाँ पर, चलिए इसको उधर भेज देते हैं, तो वन बराबर वन बाई सी स्क्वायर, या किधर गुना करेगा सी स्क्वायर बराबर वन, यानी कि सी बराबर प्लस माइनस वन आ जाएगा, और प्लस माइनस वन जो है अगर आप देखो तो अंतराल आपके पास कितना था, तो अंतराल आपका वन बाई टू से टू, तो इसमें जो है दोनों तो नहीं बिलोंग कर रहा है लेकिन एक आ जा रहा है वन, सी बराबर जो है वन वो बिलोंग्स कर रहा है ना वन बाई टू से टू के बीच में, वन बाई टू से टू के बीच में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यह सत्यापित हो गया, माइनस वाले को छोड़ देंगे, कोई एक मान मिलना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत सिंपल है, कह रहा है सी का मान निकाले ताकि एफ डैश सी बराबर है बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। अच्छा, और यहाँ पे यह दिया एफ एक्स बराबर, यहाँ समीकरण एक फलन दिया हुआ है बहुपद फलन, और ए और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपको पता है कि बहुपद फलन ये संतत हो जाएगा अगर अंतराल अगर इसको लिया जाए, और अवकलनीय भी हो जाएगा अगर अंतराल हम लोग लें इसके लिए, तो उससे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं कह रहा है कि माध्यमान प्रमेय की जांच करनी है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं इस फॉर्मूले में खाली रखकर। तो उसके लिए सिंपल, पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले एफ एफ बी का भी वैल्यू निकालोगे, तो पहले चलो मैं डिफ्रेंशिएट ही कर लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जरूरी नहीं है इसमें लिखना कि संतत है अवकलनीय है, क्योंकि इसमें यह नहीं कह रहा माध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है। चलिए, तो आप इसका एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस में थ्री। अच्छा, अब आपसे पूछू कि एफ ए यानी कि माइनस का 11/7 रखेंगे ना, माइनस का 11/7 का क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस का 3 इंटू में माइनस का 11/7 और माइनस में 1, यही ना आपका है। चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1331 और 7 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना 343 होता है, 7 का क्यूब 343, माइनस माइनस प्लस 33/7 और माइनस का 1, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 343, यहाँ पे माइनस का 1331 प्लस इसमें से भागे 49 में 33 से गुना करो, आ जाएगा आपका 1617 माइनस, इसमें
यहाँ नीचे वन है, वन में इसे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर गुणा करेगा 343। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है आगे सॉल्व करो इसको, तो आ जाएगा ये दोनों जोड़ दो और इसको घटा दो तो माइनस का 57 आ जाएगा, माइनस का 57/343। ठीक है चलिए अब देखो इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ 13/7, 13/7 है ना जी, दूसरा एफ बी का वैल्यू 13/7 रखो इसमें, तो हो जाएगा 13/7 का क्यूब माइनस 3 × में 13/7 माइनस का 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2197 इसका क्यूब और 7 का क्यूब आपका वही 343, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है माइनस का 39/7 माइनस 1, यहाँ एलसीएम ले लो 343, यहाँ आएगा 2197, इसमें भाग करेंगे 49 में 39 से गुना करेंगे 1999, यहाँ कुछ नहीं है 1 में इससे भाग होगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा। चलिए तो आपका आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी वही आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 57/343, तो प्लस का होगा क्योंकि ये बड़ा है, नहीं एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का ही आएगा, माइनस के ही आएगा, ये दोनों तो जोड़ेंगे तो बड़ा ना हो जाएगा और इसको घटाएंगे, चलिए तो माइनस का 57/343। चलो अब देखते हैं, चूंकि आपके पास दिया है कि एफ डैश सी बराबर में एफ बी यानी कि 13/7 माइनस एफ ए यानी कि -11/7 और बट्टा में 13/7 माइनस -11/7 फॉर्मूले पे रख दिए, इसका वैल्यू क्या होगा तो आप देख लो, एफ एफ एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू 3x² - 3 है, तो यहां से हो जाएगा 3c² - 3 बराबर में इसका वैल्यू माइनस का 57/343, यहाँ माइनस का 57 और बटा में 343 और इसके बटा में जो है आपका 13/7 और प्लस में 11/7, तो 3c² - 3 बराबर में, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 0 हो जाएगा कट के ऊपर और 0/ कुछ भी यानी कि 0, 3c² = 3 इसको भाग में ले जाएंगे, c² = 1 तो c बराबर आ जाएगा +-1, c बराबर +-1 का एक दो नंबर भी देख लो, ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है ये सारे क्वेश्चन, आपको इसमें दिखाना नहीं है कि संतत अवकलनीय, आप सीधे क्या करो इसको पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से f डैश x बराबर में आ जाएगा 1/2√x² - 4 अच्छा इंटू में ये अंदर वाले का x² का डिफरेंशिएशन 2x4 का 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो आ गया आपका आ गया x/√x² - 4। ठीक है चलिए अब मैं एफ टू की वैल्यू निकालता हूँ, तो हो जाएगा √, यहाँ एक जगह 2 रखना होगा ना जी, यहाँ एफ एक्स में यहाँ पे 2 रखेंगे तो एफ टू का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 4, 0 आ जाएगा। अच्छा एफ फोर निकालते हैं, तो हो जाएगा √4 का स्क्वायर - 4, 4 का 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया √12 यानी कि 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए तो इस फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो चूंकि आपके पास दिया है कि एफ डैश सी बराबर में एफ बी यानी कि एफ फोर माइनस का एफ टू बटा में 4 - 2, तो एफ डैश सी यहाँ पे रख देंगे सी, तो सी बटा में √c² - 4 बराबर में इसका 2√3 इसका 0 और बटा में आपका 2, यहाँ देखो आप 0 हटा दो पहले, ये आपका सॉल्व होगा तो सी बटा में √c² - 4 बराबर में 2√3 और बटा में 2 से 2 कट गया। ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने से रूट हटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा c² और बटा में c² - 4 रूट हट गया बराबर में 3। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो, इसमें गुना करो 3c² - 12, ये जाके उधर गुना करेगा c², इसको उधर लाएंगे इसको उधर ले जाएंगे, तो 3c² - c² बराबर में 12, तो यहाँ हो जाएगा 2c² = 12, ये जाएगा भाग में तो 6 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर जाएगा रूट में तो +-√6 आ जाएगा सी का वैल्यू, समझ गए। चलो इसका थर्ड नंबर भी उसी टाइप का है, चलो ये सिंपली डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश x बराबर में आ जाएगा 12x³ माइनस का 8x, यही ना आएगा 12x³ और माइनस का 8x, 5 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा।
चलिए अगर मैं f माइनस वन की बात करूँ, रखता हूँ ना जी यहाँ पे, तो 3 माइनस वन का पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 5, तो माइनस वन का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 में 4 3 से गुना होगा तो 3 माइनस 4 प्लस 5। यहाँ देखो इसमें 5 3 8 8 में 4 गया आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए f1 की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस में 5, तो यहाँ 3 माइनस 4 प्लस 5, यहाँ भी आपका 4 ही आ जाएगा, क्योंकि आपके पास दिया है कि f डैश c बराबर में f b यानी कि f1 माइनस में f a यानी कि f माइनस 1 वैल्यू रख रहा हूँ वहाँ पे, और 1 माइनस माइनस 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो f डैश c यानी कि हो जाएगा 12 एक्स क्यूब माइनस का 8x बराबर में, इसका वैल्यू 4 माइनस 4 बटा में 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं कुछ कॉमन कर सकता हूँ कि 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी 2 होगा ना, चलिए, और बराबर में 0 बट्टा 2 यानी कि 0। चलिए अब अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4x बराबर में 0 और 3x स्क्वायर माइनस 2 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर 0 बट्टा 4 यानी कि 0 हो जाएगा एक, सॉरी मुझे c रखना चाहिए था, मैंने c नहीं रखा है, आप सुधार कर दो, सब जगह c होना चाहिए था, मैंने x रख दिया है, ये सुधार कर लेना आप लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ c बराबर एक 0 आ गया, 0 बट्टा 4 यानी कि c बराबर 0, और यहाँ देखो 3c स्क्वायर बराबर 2, c स्क्वायर बराबर 2 बट्टा 3 यानी कि c बराबर में प्लस माइनस रूट 2 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर और ये आंसर हो गया, समझ गए ना। चलिए देखते हैं 16 का फर्स्ट नंबर, fx दिया हुआ है, बहुपद फलन है, अंतराल a b यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो यहाँ देख रहे हैं चूंकि fx एक बहुपद फलन है, fx एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 1,4 में संतत और खुला अंतराल 1,4 में अवकलनीय है, ठीक है, संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए तो यहाँ रॉल्स थ्योरम का प्रयोग, मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना जी। चलिए तो f1 की बात करें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 4 माइनस में 3, यही ना। चलिए तो 1 माइनस 7 तो घटेगा तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे f4 का वैल्यू, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस में 3, तो 16 माइनस 3 ये कट जाएगा आपका, माइनस का 3 आ गया। चलिए अब चूंकि आपके पास fx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका f डैश x जो आएगा वह आ जाएगा 2x माइनस 4। चलिए तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम से f डैश c बराबर में हो जाएगा f4 माइनस f1 ए बी माइनस एफ ए बटम बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 1। चलिए f डैश c का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस में 4 बराबर में f4 का वैल्यू माइनस 3, इसका माइनस 6 और बटा में आपका 3 घट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 4 बराबर में माइनस 3 प्लस का 6 बटा में 3, आगे सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस 4 बराबर में 3 बटा 3 कट के 1, या कि इधर जुड़ जाएगा तो सी लेना चाहिए था, देखो फिर मैं भूल गया, सी लेना चाहिए था ना, आप लोग सुधार कर लेना इसको, ठीक है। तो 2c बराबर में उधर जाके जोड़ देगा 5, सी बराबर में 5 बट्टा में 2, तो ये बिलोंग्स कर रहा है ना आपके 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 पे ही ना था अंतराल हमारा, तो ये सत्यापित हो गया।
चलिए तो हमने इसको दिखा दिया, सत्यापित कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दो देखो, 16 का कह रहा है fx दिया हुआ है, अंतराल दिया है, a और b का वैल्यू भी दिया हुआ है, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कर रहा है पिछले क्वेश्चन के लिए के जैसा है, और फिर कह रहा है कि c बिलोंग्स टू 1.3 के लिए निकालें जिसके लिए f डैश c बराबर 0 हो। यानी कि ये समझो कि यहाँ रॉल्स थ्योरम को भी अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, है ना जी। चलिए रॉल्स थ्योरम को भी अप्लाई करके देखने के लिए बोल रहा है। चलिए तो पहले देख लेते हैं इसके लिए, चूंकि fx एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 1.3 है ना में संतत और खुला अंतराल 1.3 में अवकलनीय है। ठीक है, चलिए अब संतत अवकलनीय हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं f1 की वैल्यू की बात करूँ तो हो जाएगा 1³ - 5 × 1² - 3 × 1। चलिए यहाँ पे 1 - 5 - 3, ये माइनस का 8 एक घट जाएगा या माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं f3 की बात करूँ तो हो जाएगा 3³ - 5 × 3² - 3 × 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 27 × 3² = 9, 5 = 45 और 3³ = 9। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों माइनस का 54 हो जाएगा ना, और ये घट जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। अच्छा चूंकि अब हमारे पास fx दिया, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। चलिए चूंकि fx बराबर में है क्या है, x³ - 5x² - 3x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ से f'x बराबर में हो जाएगा 3x² - 10x - 3। चलिए अब इसके बाद भाई मीन वैल्यू थ्योरम चलिए देखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से 3c² मैं यहाँ पे चाहे अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले f'c बराबर में हो जाएगा f3 - f1/3-1। तो इसका वैल्यू यहाँ पे c पुट करेंगे ना, 3c² - 10c - 3, इसका वैल्यू कितना है -27, इसका वैल्यू कितना है -7 और बटा में 2 हो जाएगा ना घटेगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 3c² - 10c - 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि -20/2 हो जाएगा, कट जाएगा 10^2, -10 इधर आके +10, 3c² - 10c और -3+10=0। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3c² - 10c यहाँ देखो घट जाएगा आपका +7=0, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ गुणनखंड करना होगा ना, 3c² - 7c - 3c और +7=0। देखो माइनस का 10 और गुना होगा तो इसके गुना के बराबर, c कॉमन करो 3c - 7 और यहाँ पे आपका माइनस का 1 कॉमन होगा 3c - 7। तो यहाँ से 3c - 7 और c - 1 = 0 है ना। चलिए अलग अलग करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 3c - 7 = 0 और c - 1 = 0। तो 3c = 7, c = 7/3। अच्छा ये तो बिलोंग्स कर रहा है ना 1 से 3 के बीच में, और यहाँ c = 1 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 1 से 3 के बीच, तो कम से कम एक मान बिलोंग्स करना चाहिए, सत्यापित हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको c का मान निकालना है जहाँ पे बिलोंग्स करता हो, अच्छा तो f'c = 0 लेना है, कह रहा है f'c = 0 तो c का मान इसमें बिलोंग कर रहा है, वो c का मान हमें निकालना है। तो f'c का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3c² - 10c - 3 = 0, यही ना है आपका, देखो यहाँ पे यही ना आया है 3c² - 10c - 3। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, 3c² - 9c - c - 3 = 0, इसमें से कॉमन करते हैं 3c, इसमें से 3c कॉमन होगा ना जी, तो यहाँ पे बचेगा c - 3, यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो यहाँ माइनस था ना जी, माइनस था आपका, यहाँ तो ये गुणनखंड होगा ही नहीं, द्विघात सूत्र लेना होगा। ठीक है, c = --10+√-10² - 4 × 3 × −3 और
बटा में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, आपका आ जाएगा 2 × 3। तो c बराबर प्लस का 10 प्लस माइनस रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 = 9, 9 = 36 और बटा में आपका 3 × 6। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ देखो c बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर 136 बटा 6। अच्छा, अगर इसको कितना भी आप सॉल्व करोगे ना, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 से 3 के बीच में तो लाइक करेगा नहीं। देख लो c बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर, आप इसे तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 × 17 है ना, और बटा में 6, यानी कि c बराबर में 10 प्लस माइनस 2 √34 बटा में 6। 2 कॉमन भी करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 + −√34 बटा में 6, काटेंगे इसे 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका c बराबर में आ जाएगा 5 + √34 / 3, यही ना आएगा आपका, देख रहे हो ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √34 का ना 5 point something आएगा, तो 5 में जुड़ेगा तो 10 point something, 3 भाग करेंगे तो आपका 3 से अधिक हो जाएगा, और माइनस में भी अगर घटाओगे भी तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा होगा। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं c का जो वैल्यू 5 + √34/3 आया है वो बिलोंग ही नहीं करेगा 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि f डैश c बराबर 0 के लिए 1, 3 में कोई मान नहीं है, कोई c का मान नहीं है, समझ गए ना, कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।